आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदेलन का पूरा प्रयागराज। और इनकी गवाही इस प्रकार से है कि 21 फरवरी 2023 को जब ये सो रहे थे तो इनको डरावने स्वप्न आए जिसके कारण से ये बहुत डर गए उस समय, और उसके बाद इनके पैर सिर की तरफ क्या होने लगा? जब आपने 21 फरवरी को, आपको किस तरह के स्वप्न आए थे उस समय? भैया मेरी मैं तखत पे लेटा हुआ था, मेरा तखत हिलने लगा। जो हिलने लगा तो मुझको, मैं उठने की कोशिश करा, मैं उठ नहीं पाया। फिर मेरे पैर के पास ऐसे लगा मुझको कोई पैर से मेरा कम्बल खींच रहा है। मैं उठना चाह लेते, मैं उठ नहीं पाया, और धीरे धीरे मेरे पैर से ऊपर तक चढ़ता चला आया। जब मैं नहीं उठ पाया तो मैं लेटे लेटे ही प्रार्थना करने लगा। तो हाँ बोलिए। आधे घंटे के बाद मुझको कुछ राहत मिला। जब उसके बाद मैं उठा तो मैं करीब एक घंटे तक उठ के प्रार्थना करा। और आप सुन पा रहे कलीसिया की ये बहुत ज़्यादा डर गए, जिसके कारण से इनका शरीर का अंग भी काम नहीं कर रहा था कुछ देर तक, और इन्होंने तुरंत प्रार्थना किया, ये ठीक हुए। लेकिन इन्होंने लिखा कि, और उसके बाद फिर जब ये दूसरे दिन फिर आपको कैसी प्रॉब्लम होने लगी? दूसरे दिन भैया, उस दिन तो मैं शाम को चलाया भैया घर, दिन भर इलाहाबाद में था, शाम को घर चलाया गाँव में, अपने गाँव में चला। रात भर खा पी के सोया, ठीक ठाक था। सुबह करीब 5 बजे टाइम भैया मुझको हल्की सी खांसी आई है, और खांसी के टाइम ही मेरी सांस ही एक बैग रुक गई, करीब 1.5 मिनट तक रुकी रही। और आप सुन पा रहे हैं कि इनको पिछले रात में इनको स्वप्न आया जिसके कारण से इनके अंग काम नहीं कर रहे थे। उस समय इन्होंने प्रार्थना किया, ये ठीक हो गए। लेकिन फिर दूसरे दिन इनको प्रॉब्लम होने लगी, और ये बता रहे हैं कि इनको हल्की सी केवल खांसी आई, और उसके बाद इनकी अचानक से सांस भी रुक गई। लगभग 1.5 मिनट तक इनकी सांस रुकी रही, और इनके परिवार वालों का कहना है कि इनकी आंखें भी बाहर निकल आई थी। और क्या प्रॉब्लम होता बहन, आप बताएं उस समय आपके पति को किस तरह दिक्कत था? भाई हम सुबह उठा, फिर हमने आया देखा तो खांसी आई, और कैसा कभी होता नहीं, फिर एकदम आंखें निकलने लगी, तो हम चिल्लाने लगे खूब तेज तेज, तो हमारे बच्चे सो रहे, सब उठ उठ भागे, कहें क्या हो गया पापा, क्या हो गया। देखे तो फिर चिल्लाने लगे कि दवा के ले चलो। फिर हमने दवा भी लेके गए, और उसके बाद से फिर लगातार हर रात में 11 बजे से 5 बजे के तक बीच में इनको 2 से 3 बार ऐसी प्रॉब्लम होती थी भैया। हाँ, 3-4 बार हम सुबह पूरी रात ताकते हैं, जैसे छोटे बच्चे के ताकते थे वैसे हम पूरे परिवार ताकते थे इनको। आप सुन पा रहे कलीसिया की हर दिन 11 से 5 बजे के बीच में 2 से 3 बार 4 बार इनको इसी तरह प्रॉब्लम होता था। 1.5 मिनट तक इनकी सांसें रुकी रहती थी, और इनकी आंखें बाहर आ जाती थी, और इनको होश नहीं रहता था, इनका कोई भी शरीर का अंग भी काम नहीं करता था। और इनका कहना है कि जब इनको होश भी आता था तो कुछ देर तक ये केवल अपने हाथों से इशारा कर पाते थे। आधा घंटा तक भैया मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, केवल बच्चे चिल्लाते थे तो हाथ से इशारा करते थे बस। जब आप होश में आते थे तब आधे घंटे तक आप बोल नहीं पाते थे? नहीं, कुछ नहीं बोल पाते थे, केवल आप हाथों से इशारा किया करते थे बस। और ऐसा करके आपको कितने दिनों तक, कितने महीनों तक लगातार प्रॉब्लम बनी रही? भैया मैं 10 दिन तक तो बहुत ज्यादा ही परेशान था। उसके बाद बीच बीच में अगर ये दिक्कत, मुझको बच्चे मेरे लिए प्रार्थना करते थे तो इनको भी वह दिक्कत होने लगती थी। और इनका कहना है कि बीच बीच में जब ये ठीक होते थे तो इनके घर वालों को ऐसी ही प्रॉब्लम होती थी। हाँ भैया, जैसे आपको समस्या होती थी सेम आपके बच्चों को होती थी? बच्चों को भी हो जाती थी। किसको किसको होता था इस तरह प्रॉब्लम? 2 बेटी और 1 इनको। आपकी पत्नी को भी इसी तरह होता था? इसी तरह होता था। ये इसी तरह बेहोश हो जाती थी? नहीं, बेहोश नहीं होती भैया, बस सांस ही रुक जाती थी। सांस रुक जाती थी। और ऐसा करके इनको कई दिनों तक प्रॉब्लम रहा। और जब ये भाई ठीक होते थे तब इनके परिवार वालों को प्रॉब्लम हो जाती थी, और इनके घर वाले और इनके बच्चे लोग रोने लगते थे, डर जाते थे वो सब। और इनका कहना है कि इन्होंने लिखा कि ऐसा लगता था कुछ देर और सांस यदि रुकी तो इनकी जान भी जा सकती है, इसी तरह बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन हो जाती थी इनकी। यस भैया। और जिसके कारण घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, रोते चिल्लाते थे, और गाँव वाले लोग भी घर पर आपके भीड़ लगा लेते थे। यस भैया, बगल भट्टा, गांव तो है नहीं भैया, बगल में भट्टा है, भट्टे के सब लोग इकट्ठे हो जो सांस लेने की जबरदस्ती भी कोशिश करते थे तो अजीब सी आवाज़ आती थी, बच्चे डर जाते थे कि ऐसी आवाज़ कभी आई ही नहीं है।
गांव वाले क्या बोलते थे बहन जब इनके आपके पति का इस तरह प्रॉब्लम होती थी? तब खूब चिल्लाने लगते हैं भैया, तो सब लोग जुड़ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो वही बताते कि मतलब इनका हालत देख के वो लोग खड़ा रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। और उसके बाद फिर आपने इनको डॉक्टर के पास भी ले गए? हाँ, पहले तो हमने प्रार्थना करते थे, तभी जब एकदम दूसरे कोई चिल्ला लगता है कुछ हो जाए कुछ हो जाए तब हम डॉक्टर को ले जाते, पहले हम प्रार्थना करते हैं। और जब आपने इनको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने इनका हार्ट जांच किया और इनकी कई जांचें हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुए, गले की जांच हुई, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। हाँ भैया, सब जांचें जब नॉर्मल आती थी तब भी आपको यही प्रॉब्लम होता था रहती थी? डॉक्टर फिर क्या बोलते थे जब आपकी सब रिपोर्टें नॉर्मल आती थी, तब डॉक्टर क्या बोलते थे? भैया डॉक्टर कुछ बोल ही नहीं पाते, कहता तुम्हारा इलाज किस चीज काम का है, तुम्हारा तो सब नॉर्मल निकल रहा है। और आपने लिखा कि उन्होंने आपने लगभग 3 से 4 डॉक्टर को दिखाया और आपका लगभग 25 से 30 हजार रुपए भी खर्च हुए। हाँ भैया, लेकिन रिपोर्ट में कोई भी बीमारी नहीं आती थी? नहीं, कोई बीमारी नहीं आती थी, हर एक जांच नॉर्मल आता था। नॉर्मल आता था और आपकी प्रॉब्लम इसी तरह बनी रहती थी? यस भैया। और जब आपको कोई भी आराम नहीं होता था और आपने फिर सोचा कि आप चर्च से बुला करके, चर्च की प्रेयर टीम को बुलाकर अपने घर पर आप प्रार्थना करवाएंगे? यस भैया। क्या सोचकर आपने बुलाया? हमको पता था भैया कि मैं जो मैं प्रार्थना करता था ना, कभी कभी वचनों को याद करता था कि यीशु मसीह ने किसको कैसे चंगा किया, तो उस टाइम मेरी शरीर एकदम कांप उठती थी, तो मुझको लगा कि ये ऊपरी शैतानी हरकत है और कुछ नहीं है, इसलिए हम आश्रम से बुलवा के प्रार्थना लेंगे। और जब आपको डॉक्टर से भी रिलीफ नहीं हुआ, डॉक्टर भी पूरी जाँच करके देखे, उन्होंने सब जांचें नॉर्मल आती थी, तो वो भी आपका इलाज नहीं किए, और जब आपको इस तरह प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी तब आपने चर्च आते थे और चर्च की टीम आपने अपने घर पर बुलाया, अपने घर पर प्रेयर मीटिंग ली। हाँ भैया। और परमेश्वर के दास ने यहाँ से प्रार्थना करके टीम को आपके घर पर भेजा। यस। और जब उन्होंने आपके घर पर जाके प्रार्थना किए और आपके घर पर परमेश्वर के वचन को सुनाया, उसके बाद से आपके जीवन में, आपके घर में आपने क्या देखा? एकदम हम ठीक हो गए थे, उस दिन से कोई दिक्कत ही नहीं हुई, जो थोड़ी बहुत थी भी, लास्ट में पापा जी ने पति पत्नी का प्रार्थना जो करा था उसमें हाथ में तेल दिया था, उसको लगा, उस दिन से हम एकदम ठीक हो गए भैया। ताली बजाए जोर से, और जोर से ताली बजाए ऊंची आवाज में। और जब इन्होंने अपने घर पर प्रेयर मीटिंग ली, इस चर्च की टीम को बुलाया, और परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता चर्च की टीम को प्रार्थना करके भेजते हैं, जब उन्होंने इनके घर पे गए टीम और परमेश्वर के वचन को चर्च की टीम ने दिया और चर्च की टीम ने इनके लिए प्रार्थना की इनके घर आने के लिए, उस समय इनके घर में बदलाव आया और ये ठीक हो गए। लेकिन जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, जब यहाँ पे फैमिली प्रेयर था 26 मार्च को, उस दिन ये परिवार के साथ आप यहाँ पे मौजूद थे भैया, और यहाँ पर तेल सबके ऊपर दिया गया और आपने उस तेल को भी लगाया था। यस। उसके बाद से फिर सारी प्रॉब्लम दूर चली गई है। हाँ भैया, एकदम ठीक हो गए। उसके बाद से आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। रात में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बिल्कुल आजाद हैं। एकदम आजाद। ताली बजाएं जोर से एक बार। और आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, जैसे आप सुन पा रहे हैं कि इनको जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती गई, डॉक्टर ने भी सारी रिपोर्ट की लेकिन हर रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, फिर भी इनको हर शाम को यही प्रॉब्लम होता था, इनकी सांसें रुक जाती थी, और जब ये होश में आते थे ये आधे घंटे तक बोल नहीं पाते थे, केवल हाथों से इशारा करते थे, और इनके घर वाले, इनके बच्चे, इनकी पत्नी रोती थी और वो घबरा जाते थे। लेकिन घर पे प्रार्थना लिए और उसके बाद फैमिली प्रेयर में इन्होंने हिस्सा लिया और आज ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया है। सब जन ताली बजा के तारीफ करें ऊंची आवाज में। कितने महीने हो गए आप बिल्कुल आजाद हैं? भैया 1 महीने से मैं एकदम ठीक हूँ। आपको कोई भी स्वप्न नहीं आते इस तरह? कोई सपने नहीं आता भैया। और आपको रात में दुष्टात्माओं का अटैक नहीं होते? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आजाद है, आजाद। आपके बच्चे भी आजाद है, एकदम आजाद। ताली बजाए, हालेलुया बोले, हालेलुया ऊंची आवाज में सब जन, हालेलुया।